हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज वी आर रीडिंग इन कंप्यूटर एलिमेंट्स क्लास सिक्स चैप्टर थ्री वर्किंग विद टेबल्स। आज हम इस चैप्टर में टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल्स में किस तरीके से वर्क किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एमएस वर्ड में हमारा सारा टाइपिंग का ज़्यादातर वर्क होता है, लेकिन एमएस वर्ड में ही हमारी टेबल भी क्रिएट की जाती है। ठीक है, जितना भी हमारा वर्क है एमएस वर्ड में, उसमें हमारी टेबल्स क्रिएट की जाती है। तो आइए हम ये जानते हैं कि टेबल्स का वर्क है क्या, टेबल किस तरीके से क्रिएट की जाती है और टेबल आखिर है क्या। तो जैसे सबसे पहले हमारी हेडिंग है, व्हाट इज अ टेबल। टेबल क्या है? एक टेबल हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल रोज कॉलम्स सेल्स में अरेंज का एक ग्रिड होता है। हम टेक्स्ट को प्रेजेंट करने के लिए एक टेबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी यहाँ पे इन्होंने फिगर दिखा रखी है, ये हमारी टेबल क्रिएट करी जाती है एमएस वर्ड में। जो हमारे ये इस तरीके से लाइंस होती हैं, ये हमारी रोज होती हैं, और जो हमारे इस तरीके से होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से टेबल क्रिएट की जाती है, रोज एंड कॉलम। अब हमारा इंसर्टिंग अ टेबल, टेबल किस तरीके से इंसर्ट की जाती है एमएस वर्ड में। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है हमारा, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल को इंसर्ट करने के कई वे प्रोवाइड किए गए हैं। वर्ड ने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल्स को क्रिएट करने के कई तरीके के वेज दिए गए हैं, कई तरीके के तरीके दिए गए हैं, जैसे कि इंसर्टिंग टेबल यूजिंग द टेबल ग्रिड। टेबल ग्रिड का यूज करने से का सबसे कॉमन जो हमारा वे है वो है हमारा ये, जैसे कि आइए हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। सबसे पहले टेबल ग्रुप पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले कर्सर को उस स्थान पर रखें, उस जगह पर रखें, प्लेस पर, जहां पर आपको टेबल क्रिएट करनी है, इंसर्ट करनी है। जैसे कि हमारा ये एमएस वर्ड का इस तरीके से हमारा एरिया है, इसमें जहाँ हमें टेबल क्रिएट करनी है ना, जहाँ हम इंसर्ट करेंगे टेबल, हम वहाँ पर सबसे पहले कर्सर रखेंगे अपने कंप्यूटर का। सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल, फिर जाके हम इंसर्ट टेप पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमारा इंसर्ट टेप होगा। जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे ना स्टेप, वैसे वैसे आपको इस तरीके से ऐसे स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। तो यहाँ पर इंसर्ट टेप होगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में टेबल कमांड पर बटन, टेबल ग्रुप ग्रुप में टेबल कमांड पर क्लिक करेंगे, टेबल ग्रुप पर क्लिक करेंगे, कमांड पर जितनी चाहे उतनी रोज और कॉलम्स हम उसमें ले सकते हैं। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ना इंसर्ट टेप पे, तो आपको इस तरीके से आप टेबल दिखाई देगा, उस टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल लिखा होगा, तो आपको इस तरीके से खुलकर एक आ जाएगा जिसमें आपको जितनी रोज और जितने कॉलम्स लेने हैं आप इसमें ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम जितनी चाहे उतनी रोज और कॉलम्स को हाईलाइट करने के लिए माउस पॉइंटर को टेबल ग्रिड पर घुमाएंगे। ठीक है, जब इस पर आप घुमाएंगे तो आप जितनी चाहे रोज एंड कॉलम लेते रहेंगे और यहाँ पर आपकी उस तरीके से शो होती रहेगी। फिर फिफ्थ स्टेप में देन क्लिक द माउस, फिर क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में माउस पर क्लिक करेंगे, टेबल अपीयर हो जाएगी डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, उसके बाद है यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का किस तरीके से यूज किया जाएगा, जैसे कि ये हमारा इंसर्ट, एक तो वो तरीका था हमारा कि किस तरीके से हम टेबल को इंसर्ट टेब में जाके वहाँ टेबल होगा वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा वे जो है हमारा वो ये है कि किस तरीके से हम दूसरा वाले वे से तरीके से हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स होता है, इससे भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आइए स्टेप्स फॉलो करते हैं इसके। इंसर्ट को टेब इंसर्ट करें, टैब पर नेविगेट करें और फिर टेबल बटन पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट टेबल पर डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा इस तरीके से। थर्ड स्टेप में आप डायलॉग बॉक्स में कॉलम और रोज को के नंबर स्पेसिफाई करेंगे और क्लिक करेंगे, यानी जितनी आपको कॉलम चाहिए, जितने रोज चाहिए वहाँ पर आप कॉलम में कॉलम पे नंबर, जितने कॉलम चाहिए 4, 5, 6, 7 जितने भी, और रोज जितनी चाहिए उसमें आप उसके यहाँ पर टाइप करेंगे और उसे फिर ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद स्टेप फोर में आप जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपको टेबल टूल्स की तरह रिबन पर डिजाइन और लेआउट टैब भी मिलेंगे वहां पर। ठीक है, फिर यहाँ आप ओके कर देंगे तो आपकी टेबल वहां पर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये दो तरीके थे हमारे टेबल क्रिएट करने के। अब है ड्रॉ टेबल, टेबल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड 2010 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में एक टेबल बनाने के लिए एक स्पेशल ड्राइंग मोड भी प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर।
ठीक है, कई वे बताए गए हैं ना, जैसे कि टेबल इंसर्ट करने के, तो पहला वे था हमारा जो हमने इंसर्ट टेप में जाकर करा, दूसरा वे हमारा ये था, और तीसरा वे है किस तरीके से ड्रॉ करें। तो जैसे कि वर्ड 2010 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल्स बनाने के लिए कई तरीके की स्पेशल ड्रॉइंग मोड प्रोवाइड किए हैं। एक टेबल बनाने के लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा इंसर्ट पर टैब पर क्लिक करें, बटन पर क्लिक करें और शो होने वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू से टेबल बनाएं, बनाने वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, ठीक है। सेकंड स्टेप में अपने डॉक्यूमेंट्स में डिजायर पोजीशन पर क्लिक करें और टेबल की आउटलाइन बनाने के लिए माउस पॉइंटर को राइट और कॉलम ड्रैग करें, राइट और डाउन ड्रैग करें, ठीक है। थर्ड स्टेप में एक रो ड्रॉ करने के लिए पेंसिल पॉइंटर को टेबल की लेफ्ट से ड्रैग करें। फोर्थ स्टेप में कॉलम बनाने के लिए पेंसिल पॉइंटर को डाउन की ओर ड्रैग करें। फिफ्थ स्टेप में जब आप टेबल को कॉलम और रो बनाना फिनिश कर लें तो फिर ड्रॉ बटन पर क्लिक करें। ऐसे फिर एक्स की प्रेस कर लें, ठीक है। तो ये इस तरीके से तीसरा वे जो है हमारा आपकी टेबल क्रिएट इंसर्ट हो जाएगी एमएस वर्ड पे, ठीक है। तो ये हमारे थ्री वे थे जो हमने देखे कि किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अब है हमारा क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स वर्ड 2007 से अवेलेबल इंसर्ट करने का एक क्विक और इजी वे है। आपके डॉक्यूमेंट्स में एक टेबल, आपके डॉक्यूमेंट्स में ये टेबल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लेआउट है, जिन्हें क्विक टेबल्स गैलरी और बिल्डिंग बॉक्स में फेस बॉक्स के फेस में सेव किया गया है, ठीक है। आइए इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं क्विक टेबल्स किस तरीके से बनाई जाती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है कि शो, जहां आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं वहां क्लिक करेंगे सबसे पहले आप, ठीक है। क्लिक वेर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल, जहां आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे। स्टेप टू में आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेबल ग्रुप टेबल पर क्लिक करें, पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, फिर वहां पर टेबल ग्रुप होगा उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप थ्री में शो हुई ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर वो टेबल क्विक टेबल तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, इसके हमारे स्टेप दे रखे हैं। एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द फिगर, टेक्स्ट एंटर करें दिखाए गए जो दिखाया गया है फिगर उसके अकॉर्डिंग। सेकंड में सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट पर सिलेक्ट करें। थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, टेबल पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें, ऑप्शन सिलेक्ट करें। फोर्थ में टेक्स्ट टेबल के चेंज डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा। फिफ्थ में कॉलम की नंबरिंग और रोज की नंबरिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करें। फिर सिक्स्थ में आप क्लिक ओके, आप ओके क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट किस तरीके से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे रिसाइजिंग एंड मूविंग अ टेबल, किस तरीके से टेबल्स को हम रिसाइज और मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार टेबल्स इंसर्ट के बाद आप माउस की ड्रैगिंग एक्शन का यूज करके उसका साइज और पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जब आप अपनी टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद माउस ड्रैगिंग एक्शन के साथ आप उसका यूज करके आप बहुत ही इजीली इसका साइज और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। आइए इसके स्टेप्स देखते हैं। माउस, सबसे पहले आप श्योर हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट ओपन हुआ हुआ है, ठीक है, जो आपने टेबल बना रखी है वो आपके पास ओपन हुआ हुआ है। सेकेंड स्टेप में आप माउस पॉइंटर को टेबल के ऊपर ले जाएं, साइजिंग हैंडल टेबल के राइट कॉर्नर पर शो होगा। थर्ड स्टेप में टेबल के साइज को चेंज के लिए साइज चेंज वाले हैंडल को लेफ्ट राइट ड्रैग करेंगे। फोर्थ स्टेप में टेबल को मूव करने के लिए जब आप किसी टेबल की ओर ड्रैग करें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर शो होने वाले मूव हैंडल से ड्रैग करेंगे। तो इस तरीके से आपकी
टेबल को आप मूव और रिसाइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आप स्टेप फॉलो करेंगे ना वैसे वैसे आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है कि अगर आपको मूव करना है तो आप यहाँ ऊपर से इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ। अगर साइजिंग हैंडल साइज इधर नीचे बढ़ाना है आपका तो आप क्या करेंगे यहाँ पे माउस पॉइंटर रखकर और इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका ये साइज बढ़ जाएगा इसका टेबल का। ठीक है तो ये हमारा रिसाइजिंग मूविंग टेबल का स्टेप्स थे। तो अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा क्या पढ़ा कि हमने किस तरीके से इंसर्ट करनी है टेबल, तीन चार वे फोर वेज आपको बताए गए हैं, अलग अलग तरीकों से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। उसके बाद अभी आपने रिसाइजिंग एंड मूविंग टेबल का पढ़ा कि किस तरीके से हम इसको रिसाइज और मूव कर सकते हैं, किस तरीके से साइज बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है अभी हमारा एडिंग अ न्यू कॉलम, हमारी जब टेबल बन जाती है और हमें अगर ज़रूरत हो गई होती है कि हम कॉलम या रो और इसके अंदर ऐड करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे एडिट अ न्यू कॉलम। अगर हमें अपनी टेबल में न्यू कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम कैसे किस तरीके से करेंगे, आप अपनी सबसे पहले आप अपनी टेबल्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जैसे कि स्टेप्स हैं, फर्स्ट है हमारा कॉलम में कर्सर को लेफ्ट राइट और रखें जिसमें एक नेक्स्ट न्यू कॉलम है। सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द लेआउट टैब, फिर आप लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में आप रोज और कॉलम ग्रुप में लेफ्ट या राइट क्लिक करें, न्यू कॉलम इंसर्ट होगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे जब आपका न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, जैसे कि देखिए इसमें जैसे दिखाया गया है कि ये आपकी कॉलम तैयार थी यहाँ पे इस तरीके से, और जब आपको न्यू कॉलम इसमें ऐड करना था तो आपने इधर लेफ्ट साइड राइट साइड इसके क्या करा आपने माउस पॉइंटर रखकर और अपनी टेबल यहाँ पर क्रिएट करी। ठीक है आपको जो वे बताया गया है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपको इधर रोज इसमें ऐड करना है तो आप रोज भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड करना है तो कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऐसे करके आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करने के लिए आप एडिट न्यू कॉलम से न्यू कॉलम या न्यू रोज ऐड कर सकते हैं। अब हमारा डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, अगर हमारी कॉलम या रोज कुछ एक्स्ट्रा हो गई हैं हमने बना के इंसर्ट कर ली और हमें उन्हें डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे स्टेप्स दे रखे हैं कि किस तरीके से हम कॉलम्स या रोज को एक्स्ट्रा अगर हैं तो हम उन्हें किस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा स्टेप, कर्सर को वहाँ से हटाने के लिए रोज या कॉलम में रखें। ठीक है कर्सर को वहाँ रखिए जहाँ पर आपको डिलीट करनी है, अगर आपको ये वाले कॉलम डिलीट करने हैं तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, अगर रोज डिलीट करनी है तो आप वहाँ कर्सर रखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन द लेआउट टैब, आप लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो आपका डिलीट ऑप्शन होगा यहाँ पर आप लेआउट टैब पर जब क्लिक करेंगे वहाँ डिलीट ऑप्शन एक होगा आप वहाँ क्लिक करेंगे। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट ऑप्शन पर तो रो डिलीट पर क्लिक करेंगे और कॉलम डिलीट करें, मतलब आपको यहाँ पे रो कॉलम दोनों लेफ्ट राइट दोनों तरीके से चारों तरीके से ऑप्शन शो होंगे, आपको जिस साइड की लेफ्ट साइड की रो या कॉलम डिलीट करना था आप उस पर क्लिक करेंगे और वो वहाँ से हट जाएगी डिलीट हो जाएगी। ठीक है तो आगे समझ में, अभी तक हमने जो इसमें बताया गया कि किस तरीके से हम डिलीट और रो या कॉलम कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा है या हमें करना है तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है तो अभी तक ये समझ में आ गया, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर वर्किंग विद टेबल्स का हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपको इनको अच्छे से समझना है कि किस तरीके से हम ये टेबल है क्या, टेबल का वर्क किस तरीके से, टेबल पर किस तरीके से वर्क किया जाता है, टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं और कौन कौन से तरीके हैं टेबल को इंसर्ट करने के, किस तरीके से हम न्यू कॉलम या न्यू रोज उसमें ऐड कर सकते हैं, या ऐड हुई हुई कॉलम या रोज को अगर हमें डिलीट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसमें स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा और इजीली आप अपना वर्क इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए कर लेंगे। ठीक है तो अभी से वीडियो को अच्छे से देखिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, यहाँ तक नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।